नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। बहुमत का आंकड़ा 270 है और जो बाइडेन ट्रंप को काफी पीछे छोड़कर आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है 264 इलेक्ट्रोरल वोट जो बाइडेन के खाते में आ गए हैं, जबकि ट्रंप अभी तक 214 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। वहीं पर उनकी गाड़ी रुक गई है 214 पर। इन सब के अलावा जो बाइडेन ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड किया है और वो रिकॉर्ड है पॉपुलर वोट्स के आधार पर। दरअसल जो बाइडेन को 70 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलर वोट्स मिले हैं और अब तक इतने वोट्स किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को नहीं मिले हैं। ऐसे में जो बाइडेन ने जीत दर्ज करने से पहले ही ये रिकॉर्ड तो अपने नाम कर ही लिया है। आपको बता दें, इसी कड़ी में जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बाइडेन को 72,49,341 वोट मिले हैं, और जबकि आपको याद होगा बराक ओबामा को इससे काफी कम वोट मिले थे। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूं, 69,498,516 वोट बराक ओबामा को मिले थे। तो ये एक नया खिताब है जो बाइडेन ने अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा बिल क्लिंटन को भी इतने वोट कभी नहीं मिले थे। यानी कि एक तरफ जो इलेक्टोरल वोट की संख्या में भी जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और दूसरी तरफ जनता का जिस तरीके से उनको प्यार मिल रहा है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की बागडोर फिर से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर जो बाइडेन इस बार बाजी मार ले जाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि 2016 के चुनाव सभी को याद है, ट्रंप उस दौरान भी हिलेरी क्लिंटन से काफी पीछे चल रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने बाजी को पलट दिया था। हालांकि इस बार ऐसा होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कब क्या हो जाए। और फिर ट्रंप के जो साइलेंट वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा जो भारतीय मूल के वोटर्स वहां पर हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्रंप को लेकर काफी आश्वस्त हैं। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एक ऐसा तबका भी है जो ट्रंप से खासा नाराज बताया जा रहा है, और ये तबका काफी तादाद में वहां पर है। तो अभी बेहद असमंजस की स्थिति है। सभी को इंतजार है कि आखिर किसके हाथ में ये बाजी जाती है, ये दाव जाता है। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद अब ये की जा रही है कि अभी काफ़ी जगहों की वोटिंग रह रही है, उनकी गिनती अभी रह रही है, जिनमें कैलिफोर्निया शामिल है। और माना ये जा रहा है कि जब सब जगह की गिनती पूरी तरीके से हो जाएगी उसके बाद तुरंत तस्वीर निकलकर सामने आ जाएगी। हालांकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, सभी तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं कि देखना होगा आखिर में राष्ट्रपति चुनावों की ये जंग कौन जीतता है।